फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे फूल और फलों वाले पौधे होते हैं उनमें, अभी ये मार्च का मंथ चल रहा है, इसमें ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो आप डालेंगे तो आपके प्लांट में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के साथ साथ फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। आप ये रोज़ प्लांट देख रहे हैं, इसकी बड्स ही इतनी बड़ी आई है, तो फूल कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं। अभी ये आधा फूल खिला है और इसके बाद इस फूल का साइज़ इससे भी डबल हो जाएगा जब ये पूरा खिलेगा। और ये देखिए, इसमें सारी ब्रांचेस पे बर्ड्स आ रही हैं। कोई सा भी रोज़ हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, देसी हो या फिर किसी तरह का भी फ्लॉरिंग प्लांट हो, सभी फूलों से भरे रहेंगे। और इस फर्टिलाइज़र का सबसे अच्छी बात ये है कि ये फर्टिलाइज़र जैविक है, ये हमारे प्लांट को किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है और प्लांट की सारी न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है। तो हमें मंथ में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो सके और उसमें फूलों का भी विकास हो सके। और यदि आप सब्जियों वाले या फलों वाले प्लांट में भी डाल रहे हैं तो उसमें भी सब्जियों में अच्छी सी चमक आए, फल भी बहुत चमकीले होते हैं और उनका आकार भी बड़ा होता है। तो ये फर्टिलाइज़र हमारे सारे प्लांट्स को पूरी फुल ग्रोथ देता है और संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो चलिए, मैं बात कर रही हूँ जिस फर्टिलाइज़र की, उसको हम बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखा है फ्रेंड्स, और मेरे प्लांट्स ज़्यादा हैं इसलिए मैंने इसे ज़्यादा मात्रा में बनाया है, एक बाल्टी भर बनाया है। लेकिन आपके पास प्लांट कम है तो मैं उसका रेशियो बता देती हूँ आपको। एक लीटर पानी में आप एक चम्मच सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपका ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। अब इसको देना कैसे है, इसको आप सुबह या शाम में दे सकते हैं जब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो, और अपने पॉट के साइज़ से निश्चित करनी है। आपका यदि पॉट छोटा है तो आप छोटे हिसाब से कम मात्रा में उसको दें, और यदि पॉट बड़ा है तो आप उसको ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं। तो मैं एक बड़े पॉट के लिए तकरीबन 100 ml फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी। 100 ml फर्टिलाइज़र बहुत है। यदि आपने एक लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है तो आप उसको एक मीडियम साइज़ के पॉट के हिसाब से 10 प्लांट में डाल सकते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसको आप मोगरा प्लांट में भी डाल सकते हैं। अभी इस मंथ में मोगरा प्लांट को बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसमें फूल आना शुरू हो रहे हैं। तो आप इसमें आप पहले गुड़ाई कर दें, गुड़ाई करने के बाद इस फर्टिलाइज़र को डालें, ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिखाएगा आपके मोगरा प्लांट पे। इसके अलावा जो भी आपके फूलों वाले पौधे हैं, अपराजिता है, गुड़हल है, किसी भी तरह के वेजिटेबल प्लांट हैं, सब में आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और प्लांट में भरपूर मात्रा में फूल और फल पाएँ। थैंक यू।